जैसे हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस ये है, और हम ये जानते हैं कि कॉन्केव लेंस हो या मिरर हो, उसका जो फोकस है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो अब आप देखिएगा कि ये तो हो गया सी, सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर, फोकस इधर हो गया लेफ्ट, और ये हो गया टू एफ, और जो दूसरा वाला फोकस होता है वो दूसरा वाला फोकस यहाँ पर हो गया, इसको बोलेंगे एफ डैश और इसको बोलेंगे टू एफ डैश। याद रखिएगा कॉन्केव लेंस के केस में जो लेफ्ट वाला फोकस होता है वही ओरिजिनल फोकस होता है, उसको हम एफ और टू एफ बोल देते हैं। ये फोकस हो गया है और ये उसका डबल हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के दो रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड when the object is placed anywhere, when the object is placed anywhere between optical center, when the object is placed anywhere between optical center and infinity. ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखिए, ऑप्टिकल सेंटर सी और इंफिनिटी इसके बीच में आप कहीं पर भी रखिए ऑब्जेक्ट। तो पहला केस है, इसका डायग्राम देखते हैं इधर। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, आपकी मर्जी है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखिएगा। हमने कहा चलिए ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा इधर रख देते हैं, ठीक है। तो हम जो दो रेज ऑफ लाइट निकालेंगे वो दो रेज ऑफ लाइट किस तरह की होंगी? एक रेज ऑफ लाइट को तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर जाते हैं, ठीक है। तो एक रेज ऑफ लाइट छोटा बना देते हैं, एक रेज ऑफ लाइट जाएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जैसे ही लेंस को टकराएगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो रही है, जैसे कि फोकस से होकर आ रही है ना, ये ऐसे डाइवर्ज होगी एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये ऐसे डाइवर्ज होती है। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हमें कुछ ऐसे गुजारनी है जो वो ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करे, तो जो ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करेगी रे ऑफ लाइट वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो सर सभी के केस जो है जो सब के केस को जाएगी, इसीलिए तो कहा कि आप ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखो ऑब्जेक्ट को, कहीं पर भी रखिए, आपकी इमेज जो है वो यहाँ बनेगी और ये सीधी बनेगी इमेज। और लेंस के केस में मैं कहता हूँ कि इधर ही सेम साइड पर जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का साइज ये है ए, ये है बी, तो इमेज का साइज छोटा बन रहा है, ये ए डैश है और ये बी डैश है। बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यहां तक क्लियर है सभी को? चले आगे, यस सर, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कि इसके तीनों हमको प्रॉपर्टीज लिखनी है इमेज की, लिखेंगे इमेज फॉर्म Image formed will be image formed will be सबसे पहले लिखेंगे
वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दूसरा इमेज कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है तो डिमिनिश्ड, और तीसरा उसकी पोजीशन कि बन कहां पर रही है, बन कहां पर रही है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई इमेज की। ये पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ये ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को आपने कहीं पर भी रख दिया तो इस तरह से इमेज बनेगी। उसके बाद केस सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट when the object is placed at infinity, बस एक मिनट वेट करिए, मैं एक मिनट में आता। तो सेकंड केस देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इसमें से कौन सा डिफरेंस बना सकते हैं, अब इंफिनिटी को जो ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो बनाते तो हम है नहीं, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, जो इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है वो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इंफिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आती है वो कैसी आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां पर मैंने फोकस बना दिया F और यहां पर 2F, अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ गई, ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी एज इफ दिस कमिंग फ्रॉम द फोकस, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट वो नीचे की तरफ यहां से ले आओ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सर इसमें भी सर इमेज वैसी बनेगी सेम पोजीशन के लिए आप बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है ना, पर यहां से भी ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से ऊपर आ रही हो, तो कोई भी दो रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां मीट करती है वहीं पर हमारा इमेज होती है। ठीक है, तो ये जो है यहां पर मैं लिखा हूं इमेज, तो फोकस है, फोकस पर हमारा क्या बन गया, इमेज बन गई फोकस पर। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे इमेज फॉर्म विल बी, पहली चीज तो कहां डार्क पर बन रही है, सबसे पहले कहां पर कैसी है नेचर क्या, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा हम ये कहेंगे कि वो है कैसे, क्योंकि वो पॉइंट साइज हाईली डिफिनिश्ड बोलेंगे उसको, हाईली डिफिनिश्ड, और तीसरा उसकी पोजीशन क्या है, कहां बन रही है, एट फोकस, ठीक है, तो ये इसके पास दो केसेस है। ठीक है, उसके बाद जरा इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, और आप ये देखो कि और क्या बन रही है, छोटी बन रही है, तो दो चीजें तो फिक्स है यहाँ पर, दो चीजें तो यहाँ पर फिक्स है, उसमें तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है वहां रखा है, कुछ भी सोचने की जरूरत है। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी टफनेस लेवल बिल्कुल जीरो है इसके क्वेश्चंस का, तो इस वजह से इसके क्वेश्चंस के आने के चांस अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो 10% है, बाकी 90% कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल आने के चांसेस होंगे, फिर भी इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, एक देखेंगे न्यूमेरिकल,
कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर बिल्कुल सेम है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और कॉन्केव लेंस और उधर कॉन्वेक्स मिरर वो दोनों आसान है, पर फिर भी करना जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है वो देख लेते हैं आसमान जी है। चलिए जी क्वेश्चन नोट करेंगे। अच्छा दोनों ही क्योंकि लेंसेज है तो लेंस फॉर्मूला ही लगेगा, लेंस फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है क्या कॉन्केव लेंस है तो दोनों लेंस है तो लेंस फॉर्मूला ही लगेगा उसमें। क्वेश्चन नोट करिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना पहले क्वेश्चन से पहले, कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा लिखिएगा ये जो कॉन्केव लेंस है इसको क्या बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट किस केस में होता है मिरर के केस में, कि कॉन्वेक्स मिरर है अगर तो वो आपका डाइवर्जिंग होगा और अगर कॉन्केव मिरर है तो वो आपका कन्वर्जिंग होगा, वो उसका उल्टा होता है। तो मिरर में कॉन्वेक्स मिरर जो है वो होगा डाइवर्जिंग मिरर, और कौन केव मिरर जो है ये होगा कन्वर्जिंग मिरर। ये चारों पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मेंशन ही नहीं करेगा, वो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग मेंशन करेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि जो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट कौन सा उधर कॉन्केव मिरर और इधर कॉन्वेक्स लेंस, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं, ये कन्वर्ज करते हैं ठीक है। और जो लेस इंपॉर्टेंट है यानी कि जिनके दो दो रूल्स हैं वो डाइवर्जिंग वाले, वो दो दो रूल्स कौन से हैं उधर तो कॉन्वेक्स मिरर के और इधर कॉन्केव लेंस के, तो ये जो है ये आपके डाइवर्जिंग होते हैं, ये लाइट को फैलाते हैं। अच्छा उसके बाद अब क्वेश्चन नोट करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। Object is placed at a distance of an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens or focal length from a concave lens of focal length 40 centimeter full stop, find the nature and position of the image, find the nature and position of the image। सर 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 केस वन में सर अगर ऑप्टिकल सेंटर से कहीं भी रखेंगे तो से बोलो बेटा आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। सर ऑप्टिकल सेंटर से अगर कहीं भी रखेंगे इमेज मतलब इन्फिनिटी तक, तो सर वो उससे के नाम है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। हाँ जी हाँ जी, कहीं भी रख दो अभी आप रखिए ऑब्जेक्ट को, इमेज आपकी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी ठीक है। ओके सर ओके, अब देखिएगा
नेचर पूछ रहे हैं और पोजीशन पूछ रहे हैं। चलिए नेचर का मतलब क्या है ये बताना है। पहली बात है कॉन्केव लेंस है तो नेचर क्या हो गया, पोजीशन का मतलब क्या है कि वो वी पूछ रहा है कि वी क्या है, है ना। तो यूजिंग लेंस फार्मूला सबसे पहले देखेंगे ये कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो देखेंगे u is equal to minus 50 centimeter और जो focal length है क्योंकि ये concave lens है तो concave जहां पर आ जाएगा focal length negative होगी। क्या दे रखा है focal length 50 centimeter तो minus 50 centimeter since it is concave lens। याद रखिएगा कौन भी है लेंस हो या मिरर हो फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन माइनस 50 is equal to 1 upon minus 20. 1 upon b plus 1 upon 50 is equal to minus 1 upon 20. इसको घर ले जाओ 1 upon b is equal to minus 1 upon 20 minus 1 upon 50. 20 और 50 का एलसीएम बोलो क्या आएगा 100 100 आ गया। 25 जा 100 5 1 जा 5 minus 5 52 जा 100 2 1 जा 2 minus 2 1 upon b is equal to minus 7 upon 100. It implies that b is equal to minus 100 upon 7. अब divide करेंगे कितना हो जाएगा 7 minus 7 10 minus 7 हो गया 3 30 हो गया 7 4 का 28 14.28 आ रहा है यस माइनस 14.28 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई पोजीशन और नेचर जो है नेचर क्या होगा नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट सर प्लस नहीं लेंगे नहीं नहीं प्लस क्यों नहीं लेंगे उसका रीजन है ना पहली बात तो ये है कि आ गया और दूसरा इमेज हमेशा नेगेटिव लेफ्ट साइड में ही बनती है कॉन्केव लेंस के केस। अगला देखिए एन ऑब्जेक्ट प्लेस an object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image. An object placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image. At a distance of 10 centimeter in front of the lens. At a distance of 10 centimeter in front of the lens. Draw a diagram to show the formation of image.
formation of image draw an angle to show the formation of image full stop calculate focal length of the lens calculate focal length of the lens and magnification produced and magnification and magnification produced अब आप ये देखिए ये जो क्वेश्चन है एक बार समझ में आ जाए तो मुश्किल नहीं है देखो क्या दे रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस कोई मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सी लेंस है कौन सा लेंस है ठीक है अब आप एक चीज यहां पर देख लेगा कि ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस एक ऑब्जेक्ट है जो लेंस से कितनी दूर पर रखा जाता है 50 सेंटीमीटर तो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है इस वजह से वो क्या हो गया माइनस तो ये इक्वल टू हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर उसके बाद देखिएगा तो यूजर का वर्चुअल इमेज आता है डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस यानी कि इमेज हमारी लेफ्ट साइड में ही बन रही है जब इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गया वो तो कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है पहला केस कॉन्वेक्स लेंस में भी होता है तो मैं इमेज जो रे डायग्राम है वो रे डायग्राम तो मैं तब बनाऊंगा ना जब मुझे ये पता चल जाए कि कॉनकेव है या कॉनवेक्स है तो सबसे पहले ये पता लगाने के लिए फोकल लेंथ निकालूंगा फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गई तो कॉनकेव फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गई तो कॉनवेक्स जानते हैं कॉनकेव के केस में यहाँ पर भी देखिए कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉनवेक्स होता है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है मैं यहाँ कहूंगा बाय यूजिंग By using lens formula, 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. So, yeah, 1 upon V is equal to 1 upon minus 10. Correct. F is equal to 10. Minus 1 upon minus 2 pi. उसके बाद 10 और 50 का एलसीएम क्या आ जाएगा 50 ये हो गया 50 10 5 का 50 5 का 5 माइनस 5 50 1 का 50 ऊपर प्लस का 1 आ गया is equal to minus 4 upon 50 2 to the 4 is 25 to the 12.5 focal length कितनी आ गई minus 12.5 centimeter
सिंस फोकल लेंथ, सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज अ कॉन्केव लेंस। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो देखिए कॉन्केव लेंस हो गया। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप देखिएगा कि फोकल लेंथ मुझे पता चल गई तो मेरे लिए रे डायग्राम बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब आप देखिएगा इसका रे डायग्राम, ये तो हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां कहां रखा, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है -12.5, पहले तो इधर दिखाई दे फोकल लेंथ f इधर टू है। अब जब आप बनाएंगे ना रे डायग्राम, अगर किसी भी उसमें बनाने के लिए आता है तो जरा हिसाब से बनाना उसको, उसको थोड़ा सा हिसाब से बनाना। हिसाब कैसे कि भाई जैसे हमें मालूम है उन्होंने बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर, तो हमें पता है जो हमारी शीट है उस पर आप 50 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो नहीं खींच सकते ना स्केल की हेल्प से। तो आप कुछ अंदाजे से करना है ऐसा, जैसे फोकल लेंथ मैंने इतना सा मार्क करा तो फोकल लेंथ क्या है 12.5, उसका डबल क्या हो गया 2f क्या हो गया 25 हो गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 50 क्या होगा 25 का डबल। तो यानी कि जितना डिस्टेंस ये है टू अर्थ उतना ही डिस्टेंस इधर मार्क कर दो। इंफिनिटी पर क्यों आएगा, इवन एनी डिस्टेंस ये भी टू अर्थ है तो ये कितना हो गया टू अर्थ, जब f -12.5 है तो टू अर्थ कितना होगा -25, उसका डबल क्या हो जाएगा -50। तो टू अर्थ लगभग इतना है तो इतना ही यहाँ पर कर लीजिए, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, इसको बोलिए ए, इसको बोलिए बी। अब यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल ड्रॉ करी। सर ये फिर से समझा दो। इसलिए आप ये देखोगे फोकल लेंथ कितनी है -12.5, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -50, तो -50 क्या होगा 12.5 का 4 टाइम्स ही तो होगा, तो लगभग उसका 4 टाइम बना दो। F का डबल कितना हो गया 2F, 2F कितना हो गया 25, तो 25 जितना 25 है उतना ही और हो यहाँ पर 25, तभी तो 50 होगा टोटल, समझ गए? यस सर। ये 50 सेंटीमीटर तो ये हो गया, अभी जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ को मार्क करो यहाँ पर कितनी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस कितना है वो आ रहा -10, तो -10 तो आप समझ गए होंगे ना कि 12.5 से कम ही होता है -10। तो हमें मालूम है कि वो फोकल लेंथ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है इमेज कॉन्केव लेंस के केस में। तो पहली रे ऑफ लाइट ये आई, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लाइक दिस, जैसे डाइवर्ज होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर स्ट्राइक करेगी ऐसे और ऐसे निकल जाएगी, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ये हमारा रे डायग्राम हो गया। बताइए जी क्लियर है? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट नोट करिएगा बेटा पावर ऑफ अ लेंस। अदर सभी को क्लियर है? अर्पिता +0.2।
अंश, आस्था, अवंतिका, भूमि, दिवस, बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। मैग्निफिकेशन को मिरर है, मिरर में तो होता है माइनस वी अपॉन यू, और यहाँ पर होता भी है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला। या फिर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दे रखिए तो एच टू अपॉन एच, अगर यहाँ पर निकालना है तो वी अपॉन यू कर दो, एच डैश नहीं है, हम बोल देते हैं एच टू बोल देते हैं इसको इमेज की हाइट और एच वन बोल देते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक ही बात है। चाहे आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये ले लो वी अपॉन यू, और चाहे आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये ले लो एच टू अपॉन एच, ठीक ही बात सर। हाँ जी बोलो सर, ये इमेज की और सर ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जोर से बोलो प्लीज, आवाज ना तुम्हारी धीरे आ रही है सर। मैग्निफिकेशन तो 0.2 आ रहा है ना? हाँ 0.2 आ रहा है। बताओ रोहन क्या कह रहे थे? सर ये जो इमेज और ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर कैसे आया? ये है ना, दे रखा है ना 10 सेंटीमीटर, पावर ऑफ अ लेंस, इसमें हम लिखेंगे पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स focal length in meters, reciprocal of its focal length in meters, जो focal length है, focal length का आपको reciprocal निकालना होता है, और वो जो focal length है उसको meter में रखना है, बस ये आपका power of a lens है। तो p is equal to one upon f, और यहाँ f के आगे bracket में लिखना है in meters, उसका लेंस जो है वो मीटर्स में होती है। और पावर ये होता है कि अगर फोकल लेंथ को मीटर में रख दो, फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दो, जैसे इस क्वेश्चन का फोकल लेंथ -12.5 वाला था, इसको मीटर में कन्वर्ट करो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, बस वो पावर है बस। और फिर पूछते हैं कि उसकी डेप्थ, उसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, पावर की जो ऐसा यूनिट है वो डायोप्टर बस, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन देख लीजिए इसके, पहला है अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर,
convex lens is of focal length. A convex lens is of focal length 10 centimeter. So, what is its power? कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसकी पावर बताओ। तो पहली चीज ये है कि कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा? 10/100 मीटर। 0 से 0 कट गया, ये क्या हो गया? 0.1। कॉन्वेक्स लेंस को फोकल लेंथ माइनस होती ही नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव मिरर हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। वो उसके तो रूल्स है बहुत सारे। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। एक बार रिवाइज करना, कोई भी ट्रिपल डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि इसमें ना इन्हीं चीजों में गलती हो जाती है, चीजें बड़ी आसान है। चलो जी, क्वेश्चन पर भी देखिएगा। अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई, इसे दूर कर लीजिए, पास का तो दिखाई देता है। अ पर्सन हैविंग अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर uses a concave lens of focal length, concave lens of focal length 50 centimeter so what is the What is the power of the lens? तो इन्होंने बोला अ पर्सन हैविंग अ मायोपिक आई यूजेस अ कॉनकेव लेंस फॉर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव, तो जो हमारा फोकल लेंथ है वो कितना हो गया? माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस 50 सेंटीमीटर हो गया, इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट कर दिया? 0 से 0 कैंसिल, 5 टू 10 या छोड़ो आप इसको 0.5 कर दो, ये माइनस का 0.5 मीटर हो गया, तो पावर पी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा पावर है, यानी कि 1 अपॉन माइनस का 0.5, ये पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, 5 टू 10 10, माइनस 2 डायोड पर, समझ गए? के बाद देखिएगा, बट फिर लेंस ऐसा फोकल लेंथ ऑफ माइनस 25 सेंटीमीटर,
फिल लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर? तो वेट करिए एक मिनट, चलिए देखिए क्वेश्चन का। अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर? Power of the lens and nature. नहीं, what is the power of the lens and what is its nature? तो nature किसका बताना है? Lens का nature बताना है। तो lens का nature जो है ना, एक तो होता है कि lens कौन सा है, तब तो आप बताएंगे concave है या convex है। नेचर तो पता है क्या बताना होता है, कि डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। नेचर का मतलब आपको ये बताना है कि वो लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, ठीक है। ये लेगा, इसमें हमें क्या करना होगा, और फिर लेंस हमारा फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब f कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, ये हो गया -25/100 मीटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस का 0.25 मीटर बोल दीजिए बस, ठीक है। ये करने के बाद से फिर देखिएगा वो क्वेश्चन पावर बतानी है, तो पावर कितनी होगी, 1/f, यानी कि 1/-, का 0.25, अब माइनस पॉइंट गया ऊपर आ गया 20, 25 4 का 100, ये हो गया माइनस का 4 मीटर, ठीक है। तो क्योंकि हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, कौन सा लेंस है ये, फोकल लेंथ, हाँ फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये हो गया कॉनकेव लेंस बिल्कुल ठीक, और कॉनकेव लेंस का कौन सा हो गया डाइवर्जेंट। और ये कैंपस सेंस f इज नेगेटिव, सो इट इज कॉनकेव लेंस, इट इज कॉनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, ये है इसका नेचर, ठीक है जी। तो ये पावर वाला यहां खत्म होता है, और इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और है, उसका एक न्यूमेरिकल है, उसमें कुछ भी नहीं है कि अगर दो तीन पावर अलग अलग होती है ना, और वो पूछे कि इन लेंसेज को कंबाइन करके नया लेंस बनाया जाए, तो सारी पावर्स को ऐड कर दो, दो या तीन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसका एक न्यूमेरिकल की फोटो भेज दूंगा, आप समझ जाएंगे, कुछ नहीं है। कभी कभार पूछ लेते हैं, तो भेज दूंगा वो आप सब देना, और शाम वाले बैच में आपको बता देता हूँ कि शाम वाले बैच में आपने स्टैटिस्टिक्स करो, स्टैटिस्टिक्स में मेरी कोशिश है कि एक घंटे के अंदर मीन मीडियम मोड सब कुछ आज ही आपने करो, ठीक है। और तैयार रहना बेटा, संडे को आपका टेस्ट है सर। हाँ बोलो सर, आप मेरे डाउट्स भी करवा दोगे? डाउट्स कल करवाऊंगा, आज पहले स्टैटिस्टिक्स निपटाना है, मेरे बड़े दिनों से पेंडिंग है। यस सर, सर सुबह वाली क्लास में कल करवा दूंगा कल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके नमस्ते।